इस वजह से हो रही है. फॉर एग्जांपल जब मैंने फोटोग्राफी शुरू करी तो लोग आकर के मेरा मजाक उड़ाते थे कि कौन है बेवकूफ सा फोटोग्राफर, और मेरे शूट को उठा करके लोग ऐसे फेंक देते थे जब एजेंसीज में लेकर के जाते थे ना, ऐसे किस बेवकूफ फोटोग्राफर से घर आके लाए हो. और फिर वो बंदे मेरे पास आते थे जो मॉडल्स थे, वो बोलते थे कि ये क्या किया है आपने, ये क्यों मजाक किया आपने हमारे साथ में, समझ रहे हो. तो मेरे पास में दो ऑप्शंस थे, एक तो ये कि मैं वहां पर बैठ करके अपने आप को जस्टिफाई करूं कि नहीं 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 वो जिन्होंने फेंका है ना उनको पता नहीं है, वो बेवकूफ है. ऐसे ही हम करते हैं कि वो बंदे इंडस्ट्री में 20 साल से बैठे हैं, मैं 2 साल से हूं, लेकिन वो बेवकूफ है, मैं समझदार हूं, उसको कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है. एक ये तरीका था, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया. मैंने बैठ करके उनसे समझा, मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या बोला, और भी उन्होंने कुछ बताया होगा. तो फिर वो बताते थे कि ये ना लाइटिंग सही नहीं है, ये ना कपड़े ठीक नहीं है, स्टाइलिंग ठीक नहीं है. और आज जेन्युइनली मैं देखता हूं तो मुझे हंसी आती है अपनी फोटोग्राफी में, इतनी घटिया थी, इतनी बेकार थी. लेकिन हुआ क्या, क्योंकि मेरा लर्निंग एटीट्यूड था तो मैं सीख करके उसको बेटर करता चला गया. तो कुछ महीनों के अंदर अंदर मैं उस लेवल पे पहुंच गया जहां पर लोगों को पहुंचने में 20 साल लगते हैं. तो अब ध्यान से समझो क्या होता है कि जैसे ही आप किसी की भी बुराई कर रहे हो या किसी से जेलसी कर रहे हो या किसी को नीचे गिरा रहे हो अपने आप को बेटर फील करने के लिए, तो आप और नीचे गिर रहे हो. जैसे ही आप किसी और की तारीफ कर रहे हो, तारीफ मतलब क्या, अच्छी क्वालिटीज की ही करोगे ना, बुराई आप खराब क्वालिटीज की करोगे. जैसे ही आप किसी की तारीफ कर रहे हो दिल से, सिर्फ बार बार से दिखाने के लिए नहीं, हम तारीफ भी करते तो हमारा कोई ना कोई मतलब होता है, इस बंदे से मुझे कुछ चाहिए, इसकी तारीफ करो मुंह पर बैठ करके, समझ गए, वो वाली तारीफ नहीं, उसको बोलने के लिए भी नहीं, उसके मुंह पर भी नहीं, अपने मन में बैठ करके कि यार ये जो बंदा है ना ये लाइफ में इतना आगे इसलिए जा रहा है क्योंकि उसके अंदर ये 4 क्वालिटीज है. तो अब क्या हो रहा है, आपकी जो नजर है वो कहां चली गई, पॉजिटिव क्वालिटीज में. जहां आपकी थिंकिंग जाती है, जहां पर आपकी नजर जाती है, वैसे ही आप बनने लग जाते हो, समझ लो.